अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शेख मोहम्मद और आप देख रहे हैं शेख मोहम्मद टीवी। दोस्तों आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे बोया के इस माइक की, जिसका नाम है बोया बाय डबल एम वन। इसकी जो प्राइस है वो मेरे ख्याल से तकरीबन 3,000 रुपये ऑनलाइन मार्केट में है, और अगर आप ऑफलाइन मार्केट में जाते हैं तो यह आपको करीब 2,500 रुपये तक मिल जाएगा बआसानी। तो आज इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे कि क्या है इसके क्या खास फीचर्स, क्या ये वाकई व्लॉगिंग में काम आता है कि नहीं आता। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि ये वाकई एक व्लॉगिंग माइक है कि नहीं। तो यार ये है बोया का वो माइक। तो इसका जो बॉक्स है वो कुछ इस तरह से ही, यहाँ पर बोया की ब्रांडिंग की गई है और यहाँ पर लिखा गया है बाय डबल एम वन, और यहाँ पर ये जो बार कोड है ये आप चेक कर सकते हैं कि वाकई ये ओरिजिनल है कि नहीं, वो आप स्कैन करके चेक कर लेंगे। और यहाँ पर ये बताया गया है कि ये किस किस पे काम कर लेता है। तो यहाँ पर मोबाइल, टैबलेट और लैपटॉप और कैमरास पे ये काम कर लेता है, और पीछे भी इसके कुछ फीचर्स लिखे गए हैं, ये आप पढ़ सकते हैं कि ये स्मार्टफोन, टैबलेट, DSLR कैमरा, इन सब पे ये काम कर लेता है। और यहाँ पर लिखा गया है कि नो बैटरी रिक्वायर्ड, मतलब ये और एक छोटा सा सेल होता है वो इसमें नहीं डलता, ये बगैर सेल के चल लेता है। यहाँ पर भी इसके कुछ फीचर्स लिखे गए हैं, यहाँ पर ये बताया गया है कि प्लग 3.5 mm जैक पे भी ये काम कर सकता है, और ये सेंसिटिव लिखी गई है, सिग्नल टू नॉइज़ रेशो लिखा गया है। तो ये कुछ बॉक्स इस तरह से है। और यहाँ पर ये मैं आपको बात बता दूँ कि अगर ये आप माइक ख़रीद लें तो आपको एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी जो आप अपने ट्राइपॉड में लगाएंगे, वो ये माउंट है। ये आप देख सकते हैं ये माउंट है, वो यहाँ पर ये जो माइक है वो लगेगा। तो अभी इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे काम करेगा। तो इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो यार ये है माइक, इस बॉक्स को मैं साइड कर लेता हूँ। इसमें जो चीज़ें मिलती हैं ये एक माउंट हो गया, जिसमें आप मतलब इसको ऐसे लगाएंगे नीचे से, और ये एक केबल है जो आप अपनी मोबाइल वगैरह पे यूज़ करेंगे, और ये दूसरी भी केबल दी गई है, और ये एक पाउच दिया गया है इसकी सेफ्टी के लिए, एक अच्छी क्वालिटी का पाउच है। तो ये है मेन माइक, यहाँ पर भी बोया की ब्रांडिंग की गई है। तो यार इसको देखते हैं कि ये निकलता है कि नहीं। हाँ निकल रहा है, तो इसको निकाल कर देख लेते हैं कि ये अंदर से कैसा है। तो यार ये है माइक जो मेन है, और ऊपर से ये कवर दिया गया है जो आपकी नॉइज़ वगैरह को मतलब कम करेगा। तो इसको मैं बंद कर लेता हूँ और इसको सेट कर लेते हैं कि ये कैसे लगेगा। मेरे ख्याल से ये इधर आएगा। तो यार ये मतलब बहुत, हाँ ये लग गया, और ये है वो माउंट जिस पे ये लगेगा। तो यार अभी इसकी चेकिंग करते हैं कि ये वर्क कैसे करता है, मैं आपको मोबाइल के साथ कनेक्ट करके बता देता हूँ। तो चलिए अभी इसकी क्वालिटी चेक करते हैं। तो यार ये जो अभी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ये माइक के बगैर हो रही है, मतलब अभी मैंने जो है ना माइक वो कनेक्ट नहीं किया। तो मैं अभी माइक को जो है ना कनेक्ट कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि इसकी जो वॉइस है वो कैसी है। तो यार इस वक्त जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है वो बोया के इस माइक से रिकॉर्ड हो रही है, कि आई होप के जो डिफरेंस होगा वो आपको पता चल गया होगा कि इसमें डिफरेंस क्या है। तो आज की वीडियो बस इधर ही ख़त्म करते हैं, और जो पिछली वाली वीडियो थी गिव अवे वाली वीडियो, बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि यार गिव अवे का रिज़ल्ट लगा दो। तो यार मैंने पहले भी आपको बता दिया था कि मैंने 2-3 गिव अवे पहले भी किए थे, तो इस पर जो मैंने एक शर्त रखा था वो बिल्कुल छोटा है, मतलब 400 सब्सक्राइबर यार इतनी बड़ी बात नहीं है, अभी 330 हो गए हैं, तो 70 सब्सक्राइबर यार इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। उस पर जो मेरे ख्याल से व्यूज़ भी थी ना वो 100 से बढ़कर थे। अगर एक एक बंदा एक एक अपने बंदे को बोल दे कि यार इसका चैनल सब्सक्राइब कर दो, तो 400 क्या 500 भी कोई बात नहीं होगी। तो आज की वीडियो बस इधर ही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।